नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि कितने तरह के टीचर्स होते हैं और वो टीचर्स कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। उसी में से एक पार्ट होता है टेट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या होता है टेट और टेट क्यों जरूरी है और किस चीज के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेट की हिस्ट्री क्या है, क्यों आया ये टेट। तो टेट जो है आया था 2011 में, ताकि कैंडिडेट्स में फिल्टर लग सके, यानी कि हर बच्चा टीचर बनना चाहता है, बट जो बच्चे कैपेबल हैं उसको फिल्टर करके हमें सामने लेके आता है ये टेट एग्जाम। तो ये टेट जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना होता है, ना ही इसके ज्यादा मार्क्स आपको किसी भी तरह की हेल्प पहुंचाते हैं। साथ ही साथ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम डजंट मीन दैट यू विल बिकम टीचर श्योरली। तो इसको क्वालिफाई करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीचर बन ही जाएंगे। मीन्स ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना है। इट इज अ जस्ट बेसिक एलिजिबिलिटी टू बिकम अ टीचर। तो ये एलिजिबिलिटी लेने के बाद, ये टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, आप किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, टेट की अगर हम बात करें तो दो तरह के टेट होते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है सी टेट और एस टेट। सी टेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एस टेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जैसा कि पता चल रहा है इसके नाम से ही, सेंट्रल मतलब ऑल स्टेट प्लस सेंट्रल जॉब्स, मतलब आप सी टेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑल स्टेट के लिए। साथ ही साथ सेंट्रल जॉब्स जो आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो आती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एस टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जिस भी स्टेट का आप देते हैं उस स्टेट के एग्जाम्स, उस स्टेट के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एस टेट यानी कि हरियाणा टेट अगर हम बात करें, तो हरियाणा टेट अगर आप निकालते हैं तो हरियाणा में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी टीचर की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बढ़ते हैं अब हम लेवल्स ऑफ टेट, यानी कि टेट के कितने लेवल होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेट एग्जाम के दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए होता है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं। लेवल 2 मतलब पेपर 2 होता है, इसमें टीजीटी बनने के लिए आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। और अगर आप ये लेवल 2 क्रैक कर लेते हैं तो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद नीचे लिखा है टेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीजीटी, यानी कि क्लास 11th एंड 12th। 11 और 12th को पढ़ाने के लिए आपको पीजीटी बनना होता है, और पीजीटी के लिए टेट रिक्वायर नहीं होता है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, और आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद आपका टेट जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं 11th और 12th के लिए, यानी पीजीटी के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न पहले होता था हमारा कि 150 क्वेश्चन आते थे, 150 नंबर के होते थे, और उसमें टाइम दिया जाता था 1.5 घंटे का, और ये ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। अब क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे 90, और यानी कि आपको 150 में से 90 लाने होते थे, और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट अब के पैटर्न की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पे टाइम आपका बढ़ा दिया गया है, 1.5 घंटे से 2.5 घंटे हो गया है, और मोड आपका पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन हो गया है। साथ ही साथ आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके 90 ही हैं, अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, सभी के लिए ये मार्क्स सेम है 90, जो कि आपको लाने ही हैं अगर आज एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। साथ ही साथ अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, मींस अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करें अगर एस्टेट की, तो एस्टेट अभी भी ऑफलाइन मोड में चल रहा है, सीटेट जो है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 से, यानी ये पहला सेशन जो जनवरी 2021 का हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। अभी एस्टेट की बात करें तो वो अभी भी ऑफलाइन ही चल रहा है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। हमें ये पता चल गया कि टेट एग्जाम के कितने लेवल होते हैं। अगर लेवल 1 यानी पेपर 1 आपको क्लियर हो जाता है, तो आप फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर लेवल 2 यानी कि पेपर 2 की बात करें, अगर ये आप क्रैक कर लेते हैं तो 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो लेवल 1 की अगर हम बात करें तो
तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों का टीचर बनना है, और फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आपको फिक्स है कि सबसे ज्यादा हेल्प जो देने वाला है वो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी मटेरियल देने वाला है। अगर हम बात करें लेवल 2 की यानी टीजीटी की, तो 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों की एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, जो आपका लगभग सारा सिलेबस कवर कर देगा। इसके एडिशन इन एडिशन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक सब्जेक्ट रहता है, जो कि आपको बताता है कि बच्चों में किस तरह से डेवलपमेंट होती है और उसको कैसे समझना चाहिए ताकि उसको अच्छे से पढ़ा सके। तो ये एक सब्जेक्ट है जो आपको एनसीईआरटी के अलावा तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कवर हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी ऑफ टेट की, तो पेपर 1 की बात करें तो आपको 12th 50% से पास करना है, कम से कम 50% से पास करना है। साथ ही साथ आपको बीएड या डीएलएड होना चाहिए। अगर हम पेपर 2 की बात करें यानी लेवल 2 की बात करें टीजीटी के लिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको 50% से, साथ में आपको 2 साल की बीएड होनी चाहिए। अगर आप लेवल 1 के लिए तैयार कर रहे हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है, तो भी आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर लें तो आप लेवल 1 की तैयारी भी कर सकते हैं, यानी लेवल 1 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी पेपर 2 आप दे सकते हैं। इस केस में पेपर 2 की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ही चाहिए, 12th से आपकी यहाँ बात नहीं बनने वाली है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि लेवल 1 के लिए आप 12th के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीएड है या डीएलएड है। लेवल 2 की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, साथ में बीएड यानी कि एक टीचिंग कोर्स भी आपको साथ में चाहिए, तभी आप टेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब भाई टेट क्लियर हो गया, तो व्हाट आफ्टर क्वालिफाइंग टेट, टेट करने के बाद हमें क्या करना होगा और क्या हमें फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो टेट जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 2 तरह के होते हैं, पहले भी अभी आपको बताया, एक होता है सी टेट यानी सेंट्रल लेवल पे, एक होता है एस टेट यानी कि स्टेट लेवल पे। तो सीधी सी बात है, जो सी टेट होता है, अगर आप ये क्रैक कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के लिए, जैसे कि केवीएस हो गया केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस हो गया, आर्मी टीचर हो गए, एआरडीओ एटसेट्रा, और किसी भी तरह के प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं। अभी तक जैसा चल रहा था कि बिना सी टेट के भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, बट अब से प्राइवेट स्कूल में भी सी टेट मांगा जाता है, तो आपको सी टेट तो निकालना ही पड़ेगा अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप बात करें एस टेट की, तो ये स्टेट लेवल पे होता है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट स्कूल और किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एसटेट क्लियर है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर आपका हरियाणा टेट क्रैक किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, साथ ही साथ हरियाणा के प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें, तो यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपने अगर जिंदगी में कभी भी सी टेट या एस टेट क्रैक कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो आपको पूरी जिंदगी में दोबारा वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी एलिजिबिलिटी 7 साल की थी, अभी ये लाइफ टाइम कर दी गई है, तो आपको एक बार एग्जाम क्रैक करना है और पूरी लाइफ टाइम आप फ्री हो जाएंगे सी टेट की तरफ से, और आपको दोबारा सी टेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये अपनी इच्छा है कि मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सी टेट दे सकते हैं, दोबारा से मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, बट उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब एक बार क्रैक कर लिया दैट मीन्स आपको आगे देने की जरूरत नहीं है। अब एक नई बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, इसमें बताया गया था कि डीएलएड कैंडिडेट अब एलिजिबल नहीं होंगे टेट एग्जाम देने के लिए, कब से, फ्रॉम 2030 यानी 2030 या उसके बाद से डीएलएड कैंडिडेट टेट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब टेट एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, टेट एग्जाम के बिना कोई टीचिंग जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि डीएलएड हो गया है अब इनवैलिड, यानी कि अब अगर आप सोच रहे हैं टीचिंग कोर्स में जाने के लिए, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, तो आप डीएलएड का पीछा छोड़ दो और पकड़ लो किसको, बीएड को। जस्ट आफ्टर टेकिंग एडमिशन बीएड, बीएड में आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो कैंडिडेट टेट एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब
मतलब जैसे ही आपने बीएड में एडमिशन लिया, ये आपका फर्स्ट ईयर है और आप टैट एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है बच्चों का पहली अटेम्प्ट में वो नहीं निकाल पाते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि बीएड में जैसे ही आप एंटर कर लेते हैं आप टैट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जैसे ही आपका टैट निकल जाता है तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाएगी। अब भाई अभी के लिए तो इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया उसको लाइक और सब्सक्राइब करके, इसी तरह से इस वीडियो को भी आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप इस अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि अगर टीचर बनना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत होगी। और आप नेक्स्ट वीडियो जो आपके आने वाली है वो है हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर, सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर कैसे बने, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के सैलरी पैकेज होते हैं, तो प्रोफेसर के बारे में पूरी वीडियो आपको डिटेल्ड रहेगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आप सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।